क्या पीटीटी पुराने हाई को अपने तोड़ पाएगा जो 98 पैसे था जो पिछली बुल रैली के अंदर उसने बनाया था, और इस बार 10 रुपए जा सकता है? क्या आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है या लखपति बनने का सपना पूरा हो सकता है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या 10 रुपए जा सकता है पीटीटी या नहीं, उसका पूरा मैथमेटिकल एनालाइज करेंगे। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इस चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टोकन हैं जो अभी फिलहाल कम रेंज पे हैं और आने वाले टाइम में बूम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को कर दे अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना। दोस्तों क्या 10 रुपए जा सकता है? इसका सिंपल रीजन ये है कि पिछली बार जब ये $65,000 हमारा बिटकॉइन गया था उस समय बीटीटी 98 पैसा मारा था, और काफी ऐसे लोग हैं खासकर इंडियन जिन्होंने 90 पैसे पे इसको बाय किया था। तो क्या वो होल्ड करे जब अब 36 पैसे चल रहा है, क्या ये 10 रुपए जाएगा? तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही बिटकॉइन की मार्केट बूम होती है जो फिलहाल अभी चल रही है, तो ठीक उसी प्रकार ही ओल्ड्स कॉइन के अंदर एकदम से रैली आती है। ओल्ड्स कॉइन में हमारा बीटीटी भी आता है। अभी जो बिटकॉइन है वो $47,000 चल रहा है, और इसकी आने वाली प्रिडिक्शन क्या है कि ये $1 मिलियन तक जा सकता है, यानी कि $10 लाख। तो भी बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि अभी से 20 ज्यादा 20 गुना आपको ये बिटकॉइन दिख सकता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का, जो इसकी सप्लाई है वो केवल 27 मिलियन टोकन है, और इस समय सबसे ज्यादा जो इसकी डिमांड है बिटकॉइन की पूरे विश्व के अंदर है। हर कोई बिटकॉइन खरीदना चाहता है क्योंकि फिएट करेंसी जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है। यानी कि फिएट करेंसी जो आपके पास एक समय पहले 1 लाख रुपए था, मान लीजिए 2010 में 1 लाख रुपए था, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की 50 से 60 हजार रुपए रह गई है क्योंकि तो खर्चे इतने बढ़ गए हैं। बट आपका जो ये टोकन करेंसी होती है, जो आपकी डिजिटल करेंसी होती है, ये रेगुलर बढ़ती रहती है, इसलिए इसका जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों टोरेंट को तो हम सभी जानते हैं, इंडिया में तो खासकर सब लोग ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इसमें मूवी डाउनलोड करते थे। टोरेंट के ऊपर जो नई मूवी आ जाती थी हम उससे डाउनलोड करते थे। तो बिट टोरेंट का यूज केस वहां पर आता है। मान लीजिए कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी है और उसमें टाइम लग रहा है, तो बिट टोकन जो है आपके वो यूज होते हैं उस फाइल को जल्दी डाउनलोड करने के लिए या शेयर करने के लिए कहीं पर। तो ये बिट टोरेंट का बहुत अच्छा एक एडवांटेज है जो आने वाले टाइम में इसको बूम करा सकता है। बीटीटी की जो टोकन सप्लाई है वो 990 बिलियन टोकन है, और जिसमें से मात्र 6% ऐसे टोकन है जो लोगों के लिए अवेलेबल है। मान लीजिए जो भी आपका जो टोटल सप्लाई है उसमें से केवल 6% यानी कि 60 बिलियन जो टोकन है वो अभी मार्केट के अंदर है, जो हम ये देख रहे हैं वो केवल 6% है, और 20% जो टोकन है वो है ट्रोन के जो मालिक है उनके पास है, क्योंकि ये ट्रोन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। 19% जो टोकन है वो बीटीटी की फाउंडर के पास है, और 20% जो टोकन है वो इनके एयरड्रॉप के अंदर मिलते हैं लोगों को, और 20% जो रिमेनिंग टोकन है वो इसके इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इस पे काम करने में खर्च होते हैं। तो बीटीटी के जो टोकन सप्लाई है वो अभी 2025 तक जाके खत्म होगी। अभी सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है उसके हिसाब से केवल 6% ही ऐसे टोकन है जो अभी मार्केट के अंदर है, जिससे काफी अच्छा बूम आने को मिल सकता है। जैसे ही ट्रोन बढ़ेगा, ट्रोन के साथ साथ बीटीटी भी बढ़ेगा। जैसे ही बिटकॉइन की जो रैली चल रही है अभी $47,000, जैसे ही ये $1 लाख टच करता है, जो पॉसिबली 2021 के अंदर हो जाना चाहिए, काफी ऐसे लोग हैं जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 2021 में बिटकॉइन $1 लाख को टच कर लेगा। जैसे ही ये $1 लाख को टच करता है, ओल्ड कॉइन के अंदर एक बहुत अच्छा बूम आने वाला है, और ओल्ड कॉइन में हमारा बीटीटी भी आता है, जो 5 रुपए तक का जो आपका टारगेट है वो आपको इजिली इसके अंदर मिल जाएगा। बीटीटी की जो मार्केट कैप है यानी कि कितना पैसा उसके अंदर लगा पड़ा है वो है $3.8 बिलियन। ये एक ह्यूज अमाउंट है। दोस्तों यदि आपको किसी भी टोकन के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसकी मार्केट कैप के बारे में जान लीजिए, उसका वॉल्यूम के बारे में जान लीजिए, उसकी रैंक के बारे में जान लीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर 11,000 टोकन है फिलहाल की डेट में देखा जाए, जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से है कि 11,000 टोकन इस समय काम कर रहे हैं, जिसमें से बीटीटी 49 रैंक पे आता है, यानी कि उसमें इतना अच्छा वॉल्यूम है, इतना अच्छा ट्रेडिंग हो रही है कि वो 49वें नंबर पे आता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर हो सकता है। ये आज $4 बिलियन से $40 बिलियन भी जा सकता है, क्योंकि डॉज कॉइन था वो पहले केवल मिलियंस में वर्क करता था, बट एक समय ऐसा आया कि उसने $50 बिलियन का छू लिया, और होंडा सिटी जो कंपनी है, होंडा की कंपनी है, उससे भी ज्यादा उसकी मार्केट कैप हो गई। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये बीटीटी जो आपका टोकन है इसे कहाँ खरीद सकते हैं। आप इसे सारी एक्सचेंज में खरीद सकते हैं,
वजीर एक्स पे खरीद सकते हैं, कोइन डीसीएक्स पे खरीद सकते हैं, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वो यूज कर सकते हैं। उसमें रेफर कोड जरूर भरना, उसमें आपको भी फायदा होगा और मेरे को भी बेनिफिट होगा। सबसे बेस्ट एक्सचेंज जो है वो है बिटमार्ट। बिटमार्ट में आपको क्या करना होता है दोस्तों, बिटमार्ट में वैसे से टोकन आते हैं जो अभी मार्केट के अंदर लॉन्च भी नहीं हुए, मतलब अभी मार्केट के अंदर वो और जो ऐप है जैसे वजीर एक्स, कोइन डीसीएक्स है, उसके ऊपर लॉन्च भी नहीं हुए हैं, और उस समय वो बिटमार्ट के ऊपर आ जाते हैं जब वो अपनी इनिशियल वर्किंग में होते हैं, तभी ही वो बिटमार्ट के ऊपर आ जाता है। और अगर आप तभी उसको बाय कर लेते हैं उन टोकन को, तो आपको जब वो मार्केट बाइनांस के ऊपर, वजीर एक्स के ऊपर, कॉइन डीसीएक्स के ऊपर लॉन्च होते हैं, उस समय जब आप उसको बेचते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलता है, क्योंकि जैसे ही बड़ी एक्सचेंज पे वो टोकन लॉन्च होता है तो 10 गुना बढ़ जाता है, और आपके पास बिटमार्ट है तो आप उसे पहले ही खरीद लेंगे। बिटमार्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, रेफरल कोड अगर आप जाते हैं तो साइन अप बोनस भी आपको मिलेगा, रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा।